अल्डस के पीछे टॉट पार्टी करने के लिए ऑरेंज रॉक के गिल थे, उन्होंने एक नॉकडाउन जरूर निकाला गिल ने यहाँ पे आमतौर को पूरा फिनिश करते हुए, बट नियो नॉकडाउन होते हैं यहाँ पे, जी गॉड भी नॉकडाउन है, एंड देखते हैं जॉनथन किस तरह वाली फाइट निकालेंगे। क्लच गॉड एक असिस्ट जरूर रहेगा इन दोनों प्लेयर्स का, एक प्रीनेट यहाँ पे फेंकेंगे जरूर क्लच गॉड। अब एंट्री देखते हैं कौन से गेट से करते हैं, बिकॉज दोनों प्लेयर्स रेडी हैं कहीं से भी एंट्री लेने के लिए, यहाँ पे नियो को पूरा फिनिश करेंगे। यूआई अब बाहर जरूर आएंगे, क्लच गॉड एक प्लेयर को नॉकडाउन करके, यूआई नॉकडाउन हो चुके, क्लच गॉड ही इज वन एचपी ओवर देयर, कैबल फाइट निकाल पाएंगे, क्लच गॉड नॉकडाउन हो चुके, अभी वाली फाइट आ चुके जॉनथन, ही डिड वन वर्सेस वन, he did one versus two, and ye wali fight Jonathan bacha ke jaate hue TSM ke liye, aur clutch god yahan pe revival ke process mein aayenge, but warrior rahega, yes wo zarur rahega, aur Jonathan ne yahan pe megastars ke final player ko pick off kar diya, aur isi ke sath megastars ki squad bhi ho chuki hai eliminate, Valdez the murder ke god out akele player bache, ye ek acha mauka hai ki jo badla hai bigatron ke sath wo le sakte hain, but bahut mushkilon ka samna karna padega kyunki jo do bhai hain wo bahut hi behtareen khel rahe hain, बेहतरीन खेलने की अगर बात करें ऑरेंज रॉक के प्लेयर्स ने ऑलरेडी यहां पे 10 किल्स निकाल चुके, चारों के चारों प्लेयर जीवित, और जक्सी बड़े आसानी से यहां पे गॉडेड को फिनिश ऑफ करते हुए, वाल्डेस दी मर्डर भी हो चुकी है एलिमिनेट, बिल्कुल वहां पे जॉनथन भी पूरे फिनिश हो चुके, उसी के चलते यहां पे टीएसएम एंटिटी एलिमिनेट होगी, बट यहां पे बीटीआर के दो प्लेयर दोनों भाई यहां पे 3 किल निकाल चुके, बट सामने ऊपर से ऑरेंज रॉक के मामी जरूर पीक कर रहे थे, बट यहां पे एक ट्रेड निकाला पहले लक्सी का, बट फिर बाद में मावी नॉकडाउन होता है जक्सी के द्वारा, बट एक ट्रेड जो निकाला उसके चलते यहां पे थोड़ा सा रिवाइवल की प्रोसेस बने की जरूरत, बट यहां पे लोकी को भी पूरा फिनिश, उसके चलते बॉक्स गेमिंग का स्क्वाड भी एलिमिनेट होगा, 3 टीमें मात्र जिंदा है, अब ऑरेंज रॉक का स्क्वाड चारों प्लेयर जिंदा है, 10 किल उनके पास ऑलरेडी है, क्या ये संतरी चट्टान यहां पे इस वीकेंडी में एक चिकन डिनर निकाल पाएगी, बिकॉज यहां पे दो भाई और ऊपर चारों यहां पे साउथ एशियन टीम से एक इंडियन कंट्री को रिप्रेजेंट करते हुए चारों खिलाड़ी वो प्राउड वापस से फील कराना चाहेंगे, बिकॉज ये एक यू गाइस एक चुनौती जरूर है, बिकॉज वहां पे जक्सी ने जो लास्ट वाले मैच में करके देखा था क्या पता वापस से करके देखा, और एक बार वापस से क्या ऑरेंज रॉक रिवेंज ले सकते, बिकॉज हमको याद है डे 2 में यहां पे ऑरेंज रॉक के सामने जो बीटीआर थी वो उस वाले टाइम पे चिकन निकाल के, बट यहाँ पे वीरू एक बॉलोटो डालने की कोशिश जरूर करेंगे, बट वहां पे एक डायरेक्शन एक डिफरेंट थी, बट यहाँ पे जक्सी वापस से पीक करने की कोशिश करें, क्या यहाँ पे एक चिकन डिनर ऑरेंज रॉक खोल सकते हैं, बिकॉज वीरू एक फ्लैंक के लिए आ चुके, उन्हीं के साथ मावी भी मार्चिंग कर रहे हैं इस वाले फाइनल सर्कल, बट जोन भी मार्चिंग कर रहा है, ऑरेंज रॉक के पास जोन भी है और ऑरेंज रॉक के पास वो कॉन्फिडेंस भी है, और एक वो जो ट्रेल बना के बैठे हुए चिकन डिनर की वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस की, स्काउट क्या यहाँ पे एक नोस्कोप निकाल सकते हैं, स्काउट लेफ्ट साइड से पीक जरूर, बट आप सक्सी को डैमेज पड़ता है क्या वहां पे वो नॉकडाउन हो सकता है, बट अभी भी वीरू ट्राई करे जी टीसी के रीलोड में गए, सक्सी अभी भी खड़े थे वहां पे, और स्काउट ने वहां पे नॉकडाउन करा, क्या ये वाला किल कंफर्म हो सकता है या तो फिर लक्सी वो किल अपना प्ले जोन को देंगे, बट स्काउट वहां पे वाला किल निकालेंगे विद दैट स्टाइल विद दैट K9 शॉट, एंड ऑरेंज रॉक संतरी चट्टान यू कैन से विनिंग दैट विनर विनर चिकन डिनर।